एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता, उस बेचारे का वह काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता। किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों तरफ से उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से कैसे पार पाऊं। वह दिन रात यही सोचता रहता था कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वह रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वह आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वह यह कदम नहीं उठा पाता। वह इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी ही मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारें। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल होती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसीलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वह करूंगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बताते थे करने के लिए और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे कि यह टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वह आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था, वह बदले में उससे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गया। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने की वजह बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं। फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा, घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा होगी घर में तो वह घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान उसे मंत्र उच्चारण कराओ, हवन कराओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में यह बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर पर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वह वहाँ से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वह आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में से दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे, और यही सोच सोच कर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि यह बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो दान दक्षिणा लेता ही नहीं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो यह सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। और यही सोचकर वह उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वह
आदमी वहाँ पर पहुँचता है तो वह बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वह आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखकर ही समझ गया कि यह आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा क्या चाहते हो।